नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बालोद की बिटिया नरगिस का कमाल, छठी से सीधे दसवीं का दिया एग्जाम 90.5% लाकर बढ़ाया जिले का मान। बालोद, कहते हैं ना जिनके हौसले बुलंद हो वे हर मुश्किल से मुश्किल काम कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही काम बालोद जिले की बिटिया नरगिस ने किया है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली छठवीं की छात्रा नरगिस ने दसवीं का एग्जाम में 90% मार्क हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। बता दें कि घुमका गांव में रहने वाले फिरोज खान की पुत्री नरगिस खान महज 12 साल की है। कोरोना काल में छठी की पढ़ाई के दौरान उसे महसूस हुआ कि वो उच्च स्तर का एग्जाम निकाल सकती है। उसने माता पिता के सामने अपनी बात रखी और अपनी बेटी के सपने को पूरा करने पिता ने अधिकारियों से संपर्क के चक्कर लगाए। जिला प्रशासन ने पिता की बात सुना और बच्ची का आईक्यू टेस्ट कराया। टेस्ट में सफल रहने के बाद बच्ची को 6 के बाद सीधे 10वीं का एग्जाम दिलाने की परमिशन भी मिल गई। परमिशन मिलते ही बच्ची ने ठाने हुए सपने को पूरा करने के लिए रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई शुरू की और नतीजा आज सामने आया कि बच्ची ने 543 अंक 90.5% ले अपने सपने को साकार किया। नरगिस का सपना है कि वो सबसे कम उम्र में UPSC क्लियर करे। नरगिस के पापा और माता खेती का काम करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपनी बेटी की उपलब्धि पर गदगद फिरोज खान उसे मौका देने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर कुलदीप शर्मा, DEO के साथ अन्य अधिकारियों के प्रति आभार जताते हैं। वे कहते हैं कि जिनकी भी बेटियां पढ़ना चाहती है उनके परिजनों को आगे आकर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए जिससे बेटियां आगे बढ़ सके। हमारी बेटी की सफलता से हम काफी खुश है। नरगिस की सफलता पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि नरगिस का IQ टेस्ट कराकर विशेष परमिशन से 10वीं की परीक्षा दिलाई गई। नरगिस न केवल फर्स्ट डिवीजन आई बल्कि नरगिस 90% मार्क लाए, जो बड़े गर्व की बात है। मैं उनको और उनके परिवार को बधाई देता हूँ।